तो एक तरफ अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए, तो वहीं अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने हिमाचल को उम्मीद से ज्यादा आर्थिक मदद दी, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल को 60 से ज्यादा नेशनल हाईवेज का तोहफा जरूर दिया, लेकिन उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। बीजेपी की माने तो इसकी वजह राज्य की कांग्रेस सरकार है, जिसकी विकास में रुचि नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी राज्य सरकार को खरी खरी सुनाई है। शाह ने बताया कि केंद्र ने हिमाचल को जमकर आर्थिक मदद दी, बावजूद इसके राज्य सरकार सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। हमें लगा कि आर्थिक तकलीफ होगी तो डीपीआर बनाने के पैसे लटके में अलग से दे दिया हमने 249 करोड़ रुपए, मगर डीपीआर आज तक नहीं बना क्योंकि विकास में इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए बहुत सारा किया है। 13 फाइनेंस कमीशन में सेंट्रल टैक्स में हिमाचल का शेयर था, वो 5 साल में 11,131 करोड़। जरा बोलिएगा भैया कितना था? 11,131 करोड़। पर हमारी सरकार आने के बाद 14 फाइनेंस कमीशन में हिमाचल का शेयर है 28,225 करोड़। शाह ने केंद्र की तरफ से दी बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें एम्स, आईआईएम आदि शामिल है। बड़े हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है, आईआईएम, एम्स, बहुत सारी संस्थाओं को भी यहाँ भेजा गया। हाल ही में पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिमला में सस्ती हवाई उड़ान का शुभारंभ किया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का तोहफा भी दिया। पालमपुर से कुलवीर दीवान, जी मीडिया।